अगर बात करें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से क्या होता है यानी केस ऑफ सोशल तो सबसे पहली बात लॉन्ग टर्म पे अगर बिजनेस को चलना है तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी एट दी एंड ग्राहक कहाँ से आएंगे सोसाइटी से ही आएंगे तो अगर सोसाइटी के लिए अच्छा करोगे तो ग्राहक और बरेंगे तो बिजनेस का सेल्फ इंटरेस्ट इसके लिए है अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है तो वो एक अच्छा एनवायरमेंट बना रहा है धंधे के लिए बिजनेस के लिए जहाँ सब लोग उसकी ठीक ठाक बात करें आज हम टाटा को इतना अच्छा मानते हैं जैसे हम टाटा के बारे में बात करते हैं तो हमें एक गर्म वाली फीलिंग आती है वो क्यों आती है क्योंकि हमें पता है कि टाटा अपने प्रॉफिट का मेजर हिस्सा दान कर देते हैं तो ये सोशल पूरी करने से उनकी एक इमेज आई तो थर्ड पॉइंट है हमारा क्रिएटिंग पब्लिक इमेज नेक्स्ट है अगर आप सोशली एक्टिव है सोसाइटी के लिए बेहतर कर रहे हैं तो सरकार भी आपसे दूर रहेगी सरकार बोलेगी वहा ठीक है यार इसको करने दो हमारा कई सारा काम तो यही निपटा रहा है इसको ज्यादा परेशान मत करो नेक्स्ट है मॉरल जस्टिफिकेशन भी तो होता है आपके पास इतने सारे हैं और आप देख रहे हैं सभी गरीब हैं तो यार आपके आपके पास हैं सरकार के साथ मिलकर पब्लिक लिए अच्छा कर सकती है तो करो ना उसमें क्या दिक्कत है अलग अलग ग्रुप है जो बिजनेस से अलग अलग की जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स जो कि हमारे बिजनेस को पूरी करनी चाहिए सबसे पहले आता है कस्टमर क्या चाहता है धंधे से तो भाई कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर चाहता है कि आप एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में रहें धोखाधड़ी ना करें कंज्यूमर की कंप्लेन को झेल लें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें दें और हमें बताते रहें कि देखो यार हमारे प्रोडक्ट में ये चीज बहुत बेहतर है ये चीज खराब है ताकि कंज्यूमर लेने के बाद दुखे नहीं अगर बात करें हमारी एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि भाई हम सोशली कैसे एक्टिव हो तो एम्प्लॉय चाहते हैं कि भाई अच्छी ऐसी तनख्वाह दे दो अच्छा एनवायरमेंट दे दो हमें पीए रिकॉग्निशन दे दो मतलब हमारी इज्जत करो भाई साहब और साथ साथ में करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड कराओ और साथ साथ में अगर हाउसिंग और इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी वाला काम हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया सोने पर सुहागा हो जाएगा अब भाई पब्लिक ने चाह लिया एम्प्लॉयज़ ने चाह लिया मालिक भी तो चाहेंगे यानी कि ओनर्स स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर ये क्या चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि भैया सेफ्टी रहे हमारे इन्वेस्टमेंट की अगर डिसीजन ले रहे हो तो हमसे पूछ के ले लो रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा अच्छा प्रोवाइड करा दो साथ साथ में हम जो पैसा लगा रहे हैं उस पर अच्छा खासा यूटिलाइजेशन करो यानी उसको व्यर्थ मत करो चौथा सरकार क्या चाहती है कि भाई सोसाइटी के लिए बिजनेस कैसा होना चाहिए तो सरकार चाहेगी कि भैया बिजनेस को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो सारे के सारे टैक्सेस दो भर भर के दो और जितनी भी ड्यूटीज आपकी बनती है वो आप टाइम टू टाइम फुलफिल करो फेयर डीलिंग में रहो और सोशल प्रॉब्लम अगर आपको कोई दिख रही है तो आपके जितना बन पड़ता है आप उतना उसको पूरा कर दो उसको सुधार दो आप सुधारोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी पांचवा पॉइंट है कम्युनिटी जहां पर हम लोग रह रहे हैं तो हमारी पूरी कम्युनिटी हमसे क्या चाहती है हमारी कम्युनिटी चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो वीकर सिस्टम ऑफ सोसाइटी को मदद मिले साथ साथ में लोकल एरियाज में छोटी छोटी फैसिलिटी अगर हम कर सकते हो तो कर दो ना यार यानी कि अगर हमारा बिजनेस कहीं चल रहा है और हमें लगता है कि यार इसके आसपास के एरिया में पानी की सुविधा हम दे देते हैं तो हम पानी की सुविधा लगा देंगे बिजली की सुविधा कर देंगे या फिर साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रख देंगे और साथ साथ में सोशल और कल्चरल और मॉरल वैल्यूज को अपलिफ्ट करने का काम कीजिए यानी कि जैसे हमारे त्योहार आते हैं तो आप अपनी कल्चरल वैल्यूज दिखाइए ये चाहती है हमारी कम्युनिटी साथ, साथ में अगर बात करें सप्लायर्स के तौर हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यानी टूवर्ड सप्लायर वॉट आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर तो सबसे पहले सप्लायर चाहते हैं भैया है, रेगुलर पेमेंट कर दे तो फेयर डील कर और अगर हमसे कोई गलती हो रही है यानी सप्लायर से कोई गलती हो रही है तो पहले ही बता दें ताकि हम अगले टाइम के लिए और बेहतर हो जाए और बाकी लोगों से हमें अच्छी अच्छी डील मिले अब बात करते हैं कि भैया है, हमारे एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में धंधे का क्या रोल है तो भाई पहले एनवायरमेंट को समझिए तो एनवायरमेंट में चार प्रकार के पोल्यूशन होते हैं बचपन से हम पढ़ते आए एयर वाटर लैंड और नॉइस सबसे पहले पकड़ते एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन मतलब हवा में गंदगी या फिर हार्मफुल सब्सटेंस के आ जाने से एयर पोल्यूशन होता है। ये बेसिकली स्मोक से, से या व्हीकल से आए हुए धुएं से सबसे ज्यादा होता है दूसरा आता है पानी का पोल्यूशन, जो मेजरली इसलिए होता है क्योंकि केमिकल्स या फिर अपने वेस्ट को नदी में बहा देना जिससे वो पानी खराब हो जाए सबसे ज्यादा होता है तीसरा होता है लैंड पोल्यूशन तो टॉक्सिक वेस्ट है, अगर आप ज़मीन पर पड़े रखोगे तो उससे जो गैस निकलेगी वो लैंड की फर्टिलिटी को कम कर देगी जिसकी वजह से भैया लैंड पोल्यूशन हो जाएगा प्लांटेशन के लिए और कृषि के लिए वो लैंड सही नहीं रहेगा चौथा होता है नॉइस पोल्यूशन वैसे तो हम कहते हैं चिल्ला चिल्ला के ढोल मंजीरे बन जाए तो पर ये चिल्लाने से बहुत नुकसान होता है आप टेम्प्रेरी या परमानेंट हियरिंग लॉस में आ जाओगे या फिर कुछ लोगों को तो समझ हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ लोग तो निकल ही लेते हैं ठीक है मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है उनको अब बात करते हैं कि भैया इतने सारे पोल्यूशन है तो क्यों जरूरी है कि हमें इन पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए एज अ बिजनेस तो भाई सीधी बात है देखो पॉल्यूशन कंट्रोल करना एक अच्छी बात है पॉल्यूशन कंट्रोल करने से बहुत सारी चीजें सुधर जाती हैं जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि पॉल्यूशन की, की वजह से होती है जैसे अभी अपन ने बात करा कैंसर हो गया कैंसर भी एक तरीके से गंदगी से है अस्थमा हो गया ठीक है हियरिंग लॉस हो गया ये सब कुछ किससे होता है पॉल्यूशन से अगर इसको कम कर दोगे पॉल्यूशन को तो ये सारी बीमारियां सुधर जाएंगी एंड एट दी एंड ये अगर लोग जिंदा बच जाएंगे तो कस्टमर बन जाएंगे ना हमारे साथ साथ में नेचुरल ब्यूटी इतना बेहतरीन एनवायरमेंट हमें मिला है अगर इस एनवायरमेंट को हम खराब करेंगे तो कैसे काम चलेगा सेफ्टी भी इंश्योर करता है क्योंकि एयर पोल्यूशन से गंदगी से धुएं से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं तो उसके लिए भी बचाव है साथ साथ में इकोनॉमिक लॉसेस भाई इकोनॉमी को बहुत सारा लॉस हो रहा है ना यार फर्टिलिटी कम हो रही है तो प्रोडक्शन कम होगा प्रोडक्शन कम होगा तो एक्सपोर्ट कम होगा और साथ साथ में अच्छी पब्लिक इमेज बनाने के लिए भी हमें इन सब चीज़ों को सुधारना पड़ता है अब बात करते हैं कि बिजनेस का क्या रोल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करने में क्या क्या कर सकता है बिजनेस तो भाई प्लांटेशन कर दो पानी वाणी की सुविधा लगा दो यानी रिवर्स को क्लीन कर दो साथ साथ में इको फ्रेंडली मैथ ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करो और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल करने का कोई जुगाड़ निकाल दो पॉल्यूशन कंट्रोल के प्रोग्राम्स चालू कर दो साथ साथ में जितने भी लॉज होते हैं उन सारे लॉज को फुलफिल करो काम बढ़िया चलेगा अब बात करते हैं बिजनेस के 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 एथिक्स यानी कि धंधे धंधे को ये वो उसूल है जो कानूनी तो पर हाँ इनको आप मानते हो ये हर व्यक्ति मानता है यानी कि कहते हैं ना भैया धंधे के कुछ उसूल है मेरे मैं इसके बात नहीं करता जैसे महिलाओं पर बच्चों पर अपन धंधे का उठाते है तो ये जब उसूल है तो ये माना जाएगा कि हम लोग कर रहे हैं और सोसाइटी मानती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एटलीस्ट आप इन सभी चीजों को ध्यान में रख रहे हो कौन कौन सी चीजें जैसे कि फेयर प्राइसेस चार्ज करो आप सही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो वर्कर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो इक्वल एंड अच्छी तनख्वाह दो ये एथिक्स यानी कि ये सारे रोल उसूल हम मानते हैं कि आप पूरे करोगे ठीक है क्या क्या करना चाहिए हमें इन उसूलों को पूरा करने के लिए सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए अगर टॉप मैनेजमेंट साथ रहेगा टॉप मैनेजमेंट इन उसूलों को बनाने में ध्यान रखेगा तो बहुत बढ़िया चलेगा धंधा कोई परेशानी नहीं आएगी पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी नेक्स्ट इन उसूलों को पूरा करने के लिए आप कोड निकाल सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट या कानून आप निकाल सकते हो कि देखो भैया हमारे कानून है कि हम ये ये काम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते बस हमें अच्छा अंदर से अच्छा नहीं लगता हम इसलिए नहीं कर सकते थर्ड चीज आप एक कंप्लाइ का मैकेनिज्म बना लो यानी कि ये ध्यान रखो कि जो जो आपने एथिक्स बनाए हैं वो हर जगह पूरे किताबों में मत लिखो उसको पूरा करो पूरा कैसे करोगे कि भाई जब आप लोगों को बुला रहे हो जब आप काम करा रहे हो जब उनको रिक्रूटमेंट करा रहे हो तो ही आप उनको बता दो देखो तो काम आपको ऐसे करने हम गंदगी नहीं करेंगे नेक्स्ट आता है कि आप अपने इंप्लॉईज को हर लेवल पर इन्वॉल्व करो क्योंकि एट दी एंड एथिक्स वही लोग तो फॉलो करेंगे आप तो इसी कमरे में बैठोगे तो उन लोगों को फॉलो करने चाहिए एथिक्स इसके लिए जब एथिक्स का डेवलप कर रहे हो तो उन लोगों को बिठा लो साथ साथ में आप रिजल्ट भी मेजर करो अब उसूलों का रिजल्ट तो मेजर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पर एटलीस्ट आप ये तो देखो कि भाई हमने जो जो चीजों के बारे में सोचा था जो हमारी मॉरल वैल्यूज थी कि हम इन पर कोई भी चीज नहीं करेंगे जैसे पढ़ाते समय मैं नाचूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा उसू है अब भैया उसूल है तो उसूल है अब क्यों नहीं नाचेंगे बस मेरे को नहीं अच्छा लगता तो ये ध्यान रखना है कि भैया ये ना करने से आपको क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है इसके बारे में ध्यान रखना ठीक है तो आई होप तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा मैंने बहुत आराम से इस चैप्टर को कराया है क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा था यार ठीक है तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मिलता है वीडियो के साथ चलते हैं चाहिए